हे गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए नेट कॉमर्स एग्जाम के बारे में। और आज का जो मैंने यहाँ टॉपिक चूज़ किया है, दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट का। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट JLF एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक सिलेबस का टॉपिक है और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मैंने टॉपिक लिया, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता होना बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट का सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस है बिजनेस मैनेजमेंट का, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 टॉपिक्स और हर टॉपिक से ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप है, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया है, अजर्शन और रीजनिंग का। मेनली मैनेजमेंट से अजर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शंस, ठीक है। मैनेज और रीजनिंग क्या दी हुई है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले अजर्शन को समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है, क्या एक तरीके का क्या एक प्रिंसिपल से पूरा मैनेजमेंट बना है और वो प्रिंसिपल्स किससे रिलेट करते हैं, उसके फंक्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजनिंग क्या है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको चलाने के लिए मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते दोनों जो हमारे अजर्शन है, रीजनिंग है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर फंक्शन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाता है मैनेजमेंट का बेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल्स, ये भी सही है और रीजनिंग सही है, बट ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, आप इन दोनों को कनेक्ट करके आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्या है वो, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ क्रिएटर ऑफ इकोनॉमी, इट इज अ क्रिएटर एज वेल। क्या है स्टेटमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो क्रिएचर है, खाली क्रिएचर नहीं इकोनॉमी का, मतलब एक इकोनॉमी का पार्ट नहीं है बट उस इकोनॉमी को बनाने वाला भी, उसको क्रिएटर भी है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ही हु कैन मैनेज एवरीथिंग, मींस जिसको मैनेज करना आता है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग फंक्शन गिवन बाय टेलर। टेलर ने प्लानिंग फंक्शन दिया था जिसमें उनके प्लानिंग के फंक्शंस में 4 पीपल इन्वॉल्व थे और दूसरे फंक्शंस के लिए अलग 4 पीपल इन्वॉल्व थे। तो उसमें क्या था, हमारा रूट क्लर्क था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था, डिसिप्लिनेरियन था, बट इंस्पेक्टर उसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो टेलर के हिसाब से इंस्पेक्टर प्लानिंग फंक्शन हमारे इंक्लूडेड नहीं, इंस्पेक्टर का कोई लेना देना नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फिर देखिए अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। और रीजनिंग क्या, बिग बिजनेस हाउसेज आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखना ये कि दोनों में से करेक्ट क्या है, मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स, ये नहीं आंसर इसका, ये नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट सारी चीजों से एसोसिएटेड होता है, चाहे आपका माइक्रो एनवायरमेंट हो या मैक्रो एनवायरमेंट हो, लीगल हो, पॉलिटिकल चीजें हो, सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर से मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, नॉन इकोनॉमिक अफेयर से भी मैनेजमेंट का पूरा लेना देना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बट रीजनिंग सही है कि बिग बिजनेस हाउसेज आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, जितने भी बड़े बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, अगर वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तभी वो एक बिग बिजनेस हाउस बन पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट इन आइसोलेशन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय कोन्स, जो कोन्स एक बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर है, उनका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैनेजमेंट का एक आर्ट है कि आप क्या चाहते हो
लोगों से करवाना और फिर ये देखना कि वो काम एकदम बेस्ट और चीपेस्ट वे में होता है. ये मैनेजमेंट की सबसे वाइबल डेफिनेशन है. नाउ स्टेटमेंट टू, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज. बिल्कुल सही कि मैनेजमेंट क्या बेसिकली प्लानिंग पे डिपेंड होता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे आप अपने एंटरप्राइज को रेगुलेट कर रहे हो. तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर ये होगा. नाउ सिक्स, फिर assertion और reasoning का question है. No business runs itself on momentum. Every business needs repeated stimulus. मतलब momentum पे खाली business नहीं चलता है, उसको बार बार stimulus देना पड़ता है. जब stimulus होगा तभी response मिलेगा. तो business को क्या है, repeated stimulus मिलना जरूरी है. रीजनिंग क्या है, द मैनेजमेंट इज अ डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस. विदाउट इट्स लीडरशिप द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन एज रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट टू बिजनेस. मतलब मैनेजमेंट क्या है, कभी स्टैटिक नहीं रह सकता, मैनेजमेंट कंडीशन के साथ बदलता है, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल. ठीक है, और अगर मैनेज और लीडरशिप मैनेजमेंट का एक पार्ट है, तो जब तक मैनेजमेंट में लीडरशिप इंक्लूडेड नहीं होगी, तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, खाली रिसोर्सेज बन के रह जाएंगी. उन रिसोर्सेज को हम लोग प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप क्या, लीडरशिप हमें, लीडरशिप का मेन मतलब मोटिव क्या होता है, दूसरों से काम निकलवाना, दूसरों को गाइड करना, उनका लीडर बनना, उनसे काम निकलवाना. तो जब तक मैनेजमेंट में लीडरशिप इंक्लूडेड नहीं होगी, तब तक जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक या इंटरप्राइज की किसी भी, वो रिसोर्सेज ही रहेंगी, वो कभी प्रोडक्शन में काम नहीं आ सकती. सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि जब तक आप बार बार प्रोडक्शन नहीं करोगे, बार बार लीडरशिप को मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करोगे, स्टिमुलस नहीं दोगे, तो जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ही रहेंगे और प्रोडक्शन नहीं बन पाएंगी. सो दीज अजम्पशन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट और आर एकदम करेक्टली जस्टिफाई और करेक्टली एक्सप्लेन करता है अजम्पशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डब्ल्यू टेलर कॉल्ड मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू. एफ डब्ल्यू टेलर ने मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन किसको बोला था, यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या हमारा प्रिंसिपल होता है, कि जो कमांड आ रही है वो एक सीरियल में आए, एक यूनिटी में आए. तो मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेट किसको बोला था, यूनिटी ऑफ कमांड.